एल्किन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखो यहां पे ये है ना मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर इसके रिएक्शन है, दो मॉलिक्यूल काम में आएंगे अपने C2H5ONa। तो दोनों जो हाइड्रोजन है उन वो सोडियम से रिप्लेस हो जाएंगे यहां पे। फिर इसकी रिएक्शन है कोई भी 1,4-dibromo ब्यूटेन के साथ में करवाएंगे यहाँ पे। तो दोनों बी आर है वो किसके साथ में निकल जाएंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन के साथ में, और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे देखो चार कार्बन तो इसमें है और एक इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, मीन्स 5-membered साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी यहाँ पे। ये 5-membered साइक्लिक स्ट्रक्चर है और सारे सैचुरेटेड कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। और एक जो कार्बन है उसके साथ में दो एस्टर ग्रुप है वो जुड़े हुए हैं COOC2H5। अब क्या करेंगे इसका, हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करने पे जो एस्टर ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। COOH। अब करना है इसको हीट करने पे CO2 बाहर निकल जाएगी, तो इसमें एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एक H होगा और एक क्या जाएगा यहाँ पे COOH। तो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन कर दिया, जो साइक्लोएल्केन से उनके कार्बोक्सिलिक एसिड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये रिएक्शन है थोड़ी अलग तरीके से होती है, इसकी मैकेनिज्म यहाँ पे अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देखो CH2COOC2H5 मेलोनिक एस्टर है, उसकी रिएक्शन सोडियम इथोक्साइड के साथ, सोडियम इथोक्साइड के साथ हुई तो इसका एक इनोलेट बनेगा यहाँ पे CH-COOC2H5COOC2H। अब इसकी रिएक्शन है 1,4-dibromo ब्यूटेन के साथ में करवाएंगे प्लस 1+ है वो किसके साथ में निकल जाएगा, Br के साथ में निकल जाएगा, और ये वाला जो पूरा ग्रुप है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, ये चार कार्बन है इसमें, इस एक के साथ में Br जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और जो पहला कार्बन है इसका Br तो हट गया और Br की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया CH COOC2H5 का यहाँ पे फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आगे सोडियम इथोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा। सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो एक प्रोटॉन और प्रेजेंट है इसके पास में, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, इनोलेट का फॉर्मेशन। ये Br और ये यहाँ पे C-Na+COOC2H5, ठीक है। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और यहां से Na+ और Br है वो निकल जाएगा। तो Na+ और Br निकलते ही वही अपनी 5-membered cyclic structure है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 कार्बन ऑलरेडी है और एक कार्बन है ये किसके साथ में जुड़ जाएगा, इस आगे वाले कार्बन के साथ में, और इस पे कौन से ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों एस्टर ग्रुप है वो प्रेजेंट, ठीक है। तो यहां से सीधा ये स्टेप है वो डायरेक्ट नहीं बनता, ये यहाँ पे इंटरमॉलिकुलर रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में इथोक्साइड आयन है वो एक इनोलेट का फॉर्मेशन करेगा, ये Na+ के साथ में निकल गया तो ये मेलोनिक एस्टर का ये ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा, फिर वापस से इसका इनोलेट बनेगा और ये इंटरमॉलिकुलर ही इसके साथ में रिएक्शन करेगा और ये 5-membered स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बनेगी। तो इस तरीके से अपन साइक्लोएल्केन है उनके कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनका फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो इसमें अल्फा हेलो एसिड्स का फॉर्मेशन करना है। ये मेलोनिक एस्टर है, ठीक है। अब यहां पे इथोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेंगे और कोई
भी एल्काइल हैलाइड है उसके साथ में इसकी रिएक्शन करो। तो CH3 CH2 एक्स के साथ में इसकी रिएक्शन हो गई, एक्स के साथ में रिएक्शन हो गई तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ CH3 CH2 CH COO C2H5 COO C2H5। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस में दोनों एस्टर हैं वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, CH3 CH2 CH COOH, और यहाँ पे भी COOH का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रिएक्शन इंसर्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे हेलोजन को इंसर्ट करवाना है, तो रेड फॉस्फोरस और हेलोजन की जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे जो हेलोजन है कार्बोक्सिलिक एसिड से उनकी अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वहां आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 CX COOH COOH। अब इसको हीट करेंगे CO2 बाहर निकल जाएगी तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH X और COOH, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसकी अल्फा पोजीशन पे क्या आ गया अपने हेलोजन आ गया, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन यहाँ पे आ सकता है। तो इस तरीके से अपने किसका फॉर्मेशन कर लिया, अपने अल्फा हेलो एसिड्स का फॉर्मेशन भी कर लिया। अल्फा हेलो एसिड्स के लिए एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन करा के उसकी रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और हेलोजन के साथ में करवा दी। ये रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में भी बढ़ते हैं अपन, रेड फॉस्फोरस और हेलोजन के साथ में एस्टर की अल्फा पोजीशन पे हेलो आ जाता है, यहाँ पे एसिड के अल्फा पोजीशन पे हेलोजन ग्रुप है वो इंसर्ट हो गया। इस तरीके से ये अपन ने कर लिया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन। उसमें चार पड़े, एन गैलेरिक एसिड, डाइमिथाइल एसिटिक एसिड, फिर साइक्लोइलिकेन का कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा, और लास्ट में अपन ने पढ़ा अल्फा हेलो एसिड्स, जो एसिड्स है उनकी अल्फा पोजीशन पे हेलोजन ग्रुप है वो किस तरीके से आया। ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स यानी जहां पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या करना है अपन को, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स का जब फॉर्मेशन करेंगे तो अपन लास्ट में हीट नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो CH2, अब यहाँ पे अपन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जो दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एक दूसरे से 1,3 पोजीशन लिए है, CH2 COO C2H5 और COO C2H5। इसकी रिएक्शन वही इथोक्साइड आयन के साथ में करा देंगे, और कोई भी एल्काइल हैलाइड है वो यहाँ पे अपन ले लेंगे। तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है उनका रिप्लेसमेंट भी दो दो के साथ में रिएक्शन करवाएंगे अपन, दो बार रिएक्शन होती है, तो दो बार ये रिएक्शन होगी तो दोनों हाइड्रोजन एटम है वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, R से R COO C2H5 COO C2H5। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पे R से रिप्लेस हो गए। अब क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस किया तो R C R COOH और COOH, ये 1, 2 और 3, तो यही क्या हो जाएगा 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सिंपल इसका एल्काइलेशन करना है और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करने पे कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे अपने पास में, 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड्स के साथ में रिएक्शन, तो इसमें जो मेलोनिक एस्टर है उसकी सोडियम इथोक्साइड से रिएक्शन करवाओ पहले, तो सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्शन है तो इसका इनोलेट आयन बनेगा CH- Na+COO C2H5। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन है वो अल्फा हेलो एस्टर से करवाओ, अल्फा हेलो एस्टर यानी इसके साथ में रिएक्शन करेगा
BrCH2COOC2H5। ये एस्टर है, उसकी अल्फा पोजीशन पे हेलोजन है, तो इसके साथ रिएक्शन होगी तो NaBr है वो तो निकल जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो CH COOC2H5 2 और यहाँ पे CH2COOC2H5। ये क्या बन गया, ये भी एस्टर है, ये सिंगल एस्टर है और यहाँ पे दो एस्टर है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ट्राई एस्टर। ट्राई एस्टर बना। अब क्या करना है, इस ट्राई एस्टर का हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हुआ तो एस्टर के जितने भी ग्रुप थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, एसिड में कन्वर्ट हो गए, CH2COOH। ये एसिड में कन्वर्ट हो गए। अब एसिड को हीट कर, हीट करेंगे तो जहां दो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है उनमें से एक CO2 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो CH2COOH ये अपने किसका फॉर्मेशन हो गया, सक्सेनिक एसिड। ठीक है, तो यहां पे देखो एक एच ग्रुप का किससे करवानी है रिएक्शन, यहाँ पे अल्फा हेलो एस्टर के साथ में रिएक्शन होगी, ट्राई एस्टर बनेगा, ट्राई एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्राई एसिड का फॉर्मेशन, और ट्राई एसिड को हीट करने से CO2 निकलेगी और यहाँ पे वन फॉर्म में कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड वन पोजीशन पे है और दूसरा कौन सी पोजीशन पे है, फोर पे, तो इस तरीके से 1,4-dicarboxylic acids का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये सक्सेनिक एसिड बन गया। इसमें अपन मिथाइल सक्सेनिक एसिड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। अब मिथाइल सक्सेनिक एसिड का फॉर्मेशन किस तरीके से करेंगे, यानी यहाँ पे एक एच की जगह और क्या होगा, यहाँ पे CH3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो यहाँ क्या करेंगे, इस रिएक्शन के अल्फा हेलो एस्टर के साथ में रिएक्शन करवाने के बाद एक बार और अपन सोडियम इथोक्साइड के साथ में और मिथाइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करेंगे। देखो 1,4-dicarboxylic एसिड का फॉर्मेशन कर लिया, अब हम किसका करते हैं, मिथाइल सक्सेनिक एसिड। ठीक है, अब मिथाइल सक्सेनिक एसिड के लिए ये वाली रिएक्शन यहां तक की कांस्टेंट होगी। अब यहां तक की रिएक्शन है वो करवाने के बाद में इसमें अपन क्या करेंगे, वापस से इसकी रिएक्शन है वो सोडियम इथोक्साइड के साथ में करवाएंगे और यहां पे मिथाइल है। तो ये एक्टिव हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन है वो किससे, फर्स्ट स्टेप में इसका इनोलेट आयन बनेगा और सेकेंड में इसका एल्काइलेशन हो जाएगा, तो H की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, CH3। तो CH3 COOH COO C2H5 2 और ये यहाँ पे CH2 COO C2H5। ये ट्राइएस्टर बन गया। अब इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में तीनों एस्टर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में कन्वर्ट, COOH2 CH2 COOH। ये ट्राई एसिड का फॉर्मेशन, ट्राई एसिड को हीट करेंगे तो एक CO2 मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा, CH3CH आ जाएगा उसका COOH और ये CH2COOH। इस तरीके से किसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, मिथाइल सक्सेनिक एसिड। ठीक है, तो ये अपना जो मेलोनिक एस्टर है उसके भी सिंथेटिक एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, इसमें सिंपल एक ही रिएक्शन है यहाँ पे, इनोलेटाइन का फॉर्मेशन करो, फिर एल्काइलेशन करना है, फिर हाइड्रोलिसिस और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हमें करना है। ओके, थैंक यू।